हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाजार जैसे क्रिस्पी और टेस्टी वड़ा की रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी। मैं हूँ निवेदिता, चलिए बल्कि बनाते हैं वड़ा। इसके लिए उड़द दाल को आप रात में भिगो दीजिए और उसको एक इस तरह का पेस्ट बना लीजिए। सबसे पहले हमें उड़द दाल को अच्छे से फेंटना है जब तक कि वो फ्लफी ना हो जाए। इससे हमारे वड़ा जो है बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। फ्लफीनेस को टेस्ट करने के लिए आप पानी में उसका थोड़ा सा टुकड़ा डालिए। अगर वो फ्लोट करने लगे तो आपका जो बैटर है वो रेडी है। अब इसमें डालिए रवा या सूजी भी डाल सकते हैं, कटे हुए प्याज, हरी मिर्च कटी हुई, कड़ी पत्ता कटे हुए, नमक स्वादानुसार, साबुत जीरा, और अब हम इन सभी को बैटर के साथ अच्छे से मिला लें। इस तरह का हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तेल मीडियम हॉट गरम करके हम वड़ा को इस तरह से शेप करके एक एक करके डीप फ्राई करेंगे। याद रहे तेल जो है मीडियम गरम होना चाहिए, वरना वड़ा जो है बाहर से तो फ्राई हो जाएगा, भीतर से कच्चा रह जाएगा और आपका वड़ा जो है वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। इसलिए तेल का मीडियम हॉट होना सही है बड़ा फ्राई करने के लिए। ध्यान रखना इस बात को कि बड़ा जो है बहुत ज्यादा आंच में फ्राई ना हो। पलट के दोनों तरफ से हम इसे फ्राई करेंगे और इवनली दोनों तरफ से हम इसे पका लेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, कलर चेंज हो रहा है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आपका वड़ा अब रेडी है। आप इसे सांभर के साथ या चटनी के साथ सर्व कीजिए और बड़े का आनंद उठाइए। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।